हाय गाइस, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मैदा की कचौरी। तो बहुत ही क्रिस्पी और करारी मैदा की कचौरी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ले लिया आधा कप मैदा। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे 2 से 3 चुटकी नमक। यहाँ पर ऐड कर देंगे 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरीके का डो बन करके तैयार हो जाए तब हमें मसल मसल करके इसका एक टाइट डो बना करके तैयार करना है। डो लगा करके हमने तैयार कर लिए, इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। अब चलते हैं आलू की तरफ। 2 आलू लिया है और लिया है धनिया और हरा मिर्च। अब यहाँ पर हम मसाले ले लेंगे, नमक स्वाद अनुसार, लाल कुटा मिर्च, चाट मसाला, जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। स्टफिन हमारा तैयार है, इसको साइड में रख लेते हैं। अब हमारा मैदा सेट हो चुका है। अब हम इसके छोटी छोटी 2 लोइयां बना लेंगे। इस तरीके से इसकी लोइयां तोड़ करके हमें बना लेना है। तो 2 लोई हमने तैयार कर ली। अब हम इन्हें को बेल लेंगे, हल्का सूखा मैदा लगाएंगे और दोनों को बेल करके तैयार कर लेंगे। 2 लोइयां हमने बेल लिए। यहाँ पर हम घी लगा लेंगे, आप बटर भी लगा सकते हैं। अच्छी तरीके से लगाने के बाद कुछ इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना। मैदा की कचौरी में अगर ज़्यादा स्वाद लाना है तो लेयरदार इस तरीके से बनाएं। इस तरीके से हम लगा लेंगे, ग्रीस कर लेंगे, उसके बाद हम इसको फिर से फोल्ड कर लेंगे, हल्का बेलेंगे। हल्का बेलने के बाद इसको फिर से ग्रीस कर लेना है, उसके बाद इसे फिर से हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसको कुछ बेल लेंगे ऐसे करके ताकि हमें फोल्ड करने में दिक्कत ना हो। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड कर लिया है, दोनों को इस तरीके से तैयार कर लेंगे, इस तरीके से चिपका लेंगे अच्छे से। अब हम इसको बीच से ऐसे काट देंगे, इस तरीके से काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से परत बन चुके हैं लेयर इसमें। अब हम इसको भी काट लेंगे, इसको हम ऐसे करके चपटा कर लेंगे। इस तरीके से हमें बनाना है, इसको ऐसे चपटा लेंगे और हल्का हल्का बेल लेंगे। इस तरीके से बेलेंगे और जो आलू का स्टफिंग है उसके इसके बीच में रखेंगे। इस तरीके से इसको हम मोड़ लेंगे, इस तरीके से इसे हमें बंद कर देना है। हमारी कचौड़ी बनकर के तैयार है। तो देखिए कितनी अच्छी से चिकनी, कितनी बढ़िया बनकर के तैयार है। अब चलते हैं तेल की तरफ। तेल हमारा गरम, इसको ढक के रखेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम तेल में ऐड कर देंगे। एक साथ हम 4 कचौड़ियाँ ऐड कर देंगे और इस तरीके से तेल को उलझते हुए हम इसको पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छे से कचौड़ियाँ पक करके हमारी तैयार हो गई हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके की अच्छी खासी रेसिपी के साथ। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।